हेलो दोस्तों, अमेरिका F-22 रैप्टर को किसी भी देश को क्यों नहीं बेचना चाहता। ये बड़ी अजीब बात है कि अमेरिका F-35 लाइटनिंग जैसे इम्प्रूवड टेक्नोलॉजी से लेस विमान अपने कई मित्र देशों को बेचने के लिए तैयार है, पर इससे पुराना विमान F-22 रैप्टर किसी भी देश को बेचने के लिए तैयार नहीं है। F-22 रैप्टर अमेरिका के बेहतरीन लड़ाकू विमान में से एक है। टेक्निकल व्यू से F-22 एक बहुत ही एडवांस विमान है। अमेरिका का मित्र देश जापान अपने क्षेत्रों में चुनौतियों को देखते हुए F-22 रैप्टर की मांग कर रहा है, पर अमेरिका जापान को भी इस जेट को नहीं बेचना चाहता। तो आखिर क्यों अमेरिका इतने अच्छे प्लेन को नहीं बेचना चाहता, चलिए जान लेते हैं। F-22 रैप्टर एक पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ प्लेन है जो डबल इंजन के साथ बहुत लंबी दूरी के मिशन के लिए सूटेबल है। बहुत कम देश के पास ऐसी पावर है। 2005 से अमेरिकी एयरफोर्स में आने के बाद इसने वायु सीमा में जो दबदबा बनाया है, इससे समांतर कोई और प्लेन नहीं था। इसलिए लगभग एक दशक तक ये बेताज बाजा रहा। बेताज इसलिए भी क्योंकि इससे टक्कर में कोई प्लेन आया ही नहीं। F-22 रैप्टर ने पहली उड़ान 1997 में भरी थी और इस समय जो रडार, एवियोनिक्स, सैन्य साजो सामान इसमें लगे थे वो बहुत एडवांस थे। अमेरिका नहीं चाहता था कि किसी अन्य देश के पास इनकी सबसे एडवांस तकनीक हो, पर अब वो पुराना हो गया है और इसका बेहतर वर्जन F-35 आ गया है। हालांकि F-35 में बहुत ही टेक्निकल फ्लोस है, इस वजह से अमेरिकी वायुसेना के लिए अब भी F-22 रैप्टर एक बेहतर ऑप्शन है। F-22 रैप्टर रडार से छिपने की कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एक्सपर्ट बताते हैं कि F-22 रैप्टर रडार क्रॉस सेक्शन पर बहुत कम दिखता है, जिस वजह से ये अदृश्य ही मालूम होता है। एक F-22 रैप्टर एक वॉलीबॉल की भांति दिखता है, जिससे इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। इस वजह से ही अमेरिका चिंतित रहता है और F-22 रैप्टर को नहीं बेचना चाहता। 2011 तक 195 यूनिट बनाए गए थे, बाद में बदलते भू राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इनका उत्पादन बंद कर दिया गया। अब अमेरिकी सरकार ने जापान से कहा है कि वो F-35 और F-22 से एडवांस तकनीक पहलुओं को ध्यान में रखकर एक नया हाइब्रिड प्लेन बनाएंगे जो F-22 और F-35 से बेहतर होगा। दोस्तों, एक सवाल और है कि क्या भारत को ऐसे विमान की जरूरत है? आज के युग में जब चीन जैसे खतरनाक पड़ोसी हमारे पास हो, फिर दूर के दुश्मनों की जरूरत नहीं। आज हमें तत्काल जरूरत न हो, पर आने वाले दिनों में जरूरत पड़ सकती है। खैर, हमारे पास अब डिजॉल्ट का राफेल विमान है। आपको जानकर खुशी होगी कि राफेल में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक लगे हैं जो F-22 रैप्टर जैसे विमान को भी पकड़ लेते हैं। एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज में राफेल ने F-22 पर मिसाइल लॉक किया था। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।